सर केआरके का एक रोस्ट वीडियो आ चुका है जवान फिल्म को लेकर, रोस्ट कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? इंसान यार उसको क्या कहे, वो कि उसके सामने कितनी भी अच्छी फिल्म ला दो वो फिल्मों को डीफेम ही करेगा और यही कहेगा कि वाहियात फिल्म है, हर तरह से वाहियात फिल्म है। केआरके ने क्या कहा अपनी वीडियो में कि ये फिल्म पुराने जमाने की है, आखिरी रास्ता से कॉपीड है और कई फिल्मों के नाम लिए, कहा कि ये ऐसी फिल्में आपने बहुत टाइम, बल्कि 90s नहीं 60s के टाइम की देखी होंगी, उसने ये भी एग्जांपल दिया। तो भाई मेरा मानना ये है कि केआरके के अंदर यही क्वालिटी, वो इसी बेस पे पैसे कमाता है, लोगों को डिफेम करता है, अपने वीडियो पे व्यूज छापता है और पैसे छापता है। आपको कैसी लगी पठान मूवी को? पठान, बाहुबली सबको तो उसने रोस्ट किया है कि नहीं? आपको कैसी लगी? मेरे को तो शानदार लगी सर। हाँ, उसकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये फिल्म पुराने जमाने से थोड़ा सा थीम से रिलेटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कहानी अच्छी नहीं, कहानी बहुत ज्यादा शानदार है कि नहीं? हमको इमोशनल रुला देती है, रोए हैं हम थिएटर में जब नयनतारा से उनका बिछड़न होता है ना, कसम से इतना फिल्म इमोशनल भी करती है जी, बहुत ज्यादा देश के प्रति आपको गूज बंप देती है। क्लाइमेक्स में देश के लिए जो मैसेज देता ना शाहरुख खान जवान से, इतना मान लो कि 2023 में वन ऑफ द बेस्ट मूवी है ये। आप लास्ट का सीन देखेंगे तो फूट फूट के रो, जब बाप बेटे गले मिलते हैं और साथ में जो लड़ते हैं अलग, लेकिन विजय सेतुपति को दिल से सैल्यूट है, क्या एक्शन, मतलब बाप बेटा दोनों को मतलब ज्यादा मारते हैं कि अच्छा, फिल्म देखने के बाद आपको क्या लगता है इसका नेक्स्ट पार्ट बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए ज्यादा शाहरुख खान नेक्स्ट पार्ट करते नहीं, लेकिन डॉन 2 आई थी तो हो सकता है कि अगर फिल्म बहुत ज्यादा जवान 2 फिर जवान 3 कितने स्टार देना चाहिए? 5 में से 5 सर, आप 5 में से 5।